एक छत के नीचे रहकर करेंगे विचारों का आदान प्रदान, पति पत्नी के बीच होने वाली समस्याओं का समाधान, सब कुछ ठीक रहा तो झटकर लेंगे शादी, देश की बढ़ाएंगे आबादी। थैंक यू सो मच, कैमरा बहुत जरूरी है, आप देश में देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। तो आइए सबसे पहले अपनी कविताएं आपके सामने पेश करता हूं कि जब बात हो विकास की भले ही धर्मों में बट जाना, जब बात हो राजनीति की भले ही जाति में बट जाना, जब बात हो भाषा बोलने की भले ही क्षेत्रों में बट जाना, जब बात आ जाए देश की तुम एक होकर बस डट जाना, जब बात हो जवानों की सीमा के पहरेदारों की त्याग और बलिदानों की देश पे शीश कटाने की, तुम धर्म जाति को मत लाना, तुम यहां राजनीति मत करना, तुम यहां राजनीति मत करना। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कविता की तरफ। ये जो मेरी कविता मैंने सुनाने जा रहा हूं, ये मेरी सबसे पहली कविता थी जो मैंने करीब 7 साल पहले लिखी थी, तो थोड़ी टूटी फूटी इसमें हो सकती है, आप समझेंगे मेरी पहली कविता है। तो संसार की रचना ईश्वर ने ना की, संसार की रचना ईश्वर ने ना की, कह रहा विज्ञान, अफसोस कितना बदल गया इंसान। मनुष्य की जब हुई उत्पत्ति उस समय न था कोई अभियुक्ति, परंतु आज के इस समाज में ऊंच व नीच वर्ग में बटा हर व्यक्ति, कौड़ियों के भाव बिक रहा लोगों का ईमान, अफसोस कितना बदल गया इंसान। सती प्रथा तो अपना रहा, दहेज प्रथा है मुंह फाड़े खड़ा, हमारी बेटियों को ना जलाए कोई जिंदा, उसके लिए बनाया गया कानून कड़ा, कुछ महिलाएं उठा रही इसका नाजायज फायदा, झूठे मुकदमों का कुछ पुरुष भुगत रहे परिणाम, अफसोस कितना बदल गया इंसान। आज हमारे सामने समस्याओं का पहाड़, भुखमरी गरीबी आतंक के साथ भ्रष्टाचार की दहाड़, इन सब को बढ़ावा देते हैं भ्रष्ट राजनेता, आप क्यों नहीं देते उन्हें जड़ से उखाड़, आपस में लड़ते रहो लेकर धर्म की शान, जाकर पढ़ लो कोई मजहब ऐसा नहीं सिखाता, पढ़ लो रामायण कुरान, अफसोस कितना बदल गया इंसान। और आखिरी चार लाइनें कि सुख सुविधाओं ने ली ईश्वर की ना करते इबादत, बूढ़े मां बाप की अब छिन गई बादशाह, अपने घर में सुरक्षित नहीं है बेटियों की इज्जत, कच्चे उम्र में बच्चों को लग रही है धूम्रपान की आदत, क्या सच में सुरक्षित है बच्चों को जन्म देने के लिए यह स्थान, सस्ती है इस समाज में जान, महंगा हो गया ज्ञान, कह रहा रिजवान, अफसोस कितना बदल गया इंसान, अफसोस कितना बदल गया इंसान। थैंक यू दोस्तों। जब आप कविताएं लिखते हो, जैसे कि हमारे और भी दोस्तों ने कहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, करें आपकी जो प्रेमिका होती है वो भी कहती है कि मेरे लिए कुछ लिखो ना, तो मैं कहता हूं भाई मैं कुछ अलग तरह की चीजें लिखता हूं। अब मामला इतना बढ़ गया कि अगले दिन मेरी प्रेमिका आके बोली कि भाई देखो ऐसा है कि अब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अब फासला रखना पड़ेगा, मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या, अगली सुबह उनके लिए गजल लिख के लेके गया, तो वो गजल आपके सामने पेश करता हूं कि तुम कहती हो तुमसे अब मैं फासला रखूं, तुम कहती हो तुमसे अब मैं फासला रखूं, तुमसे दूर जाके कैसे अब मैं हौसला रखूं, जब पलके झपकती हो वक्त ठहर सा जाता है, मोहब्बत भरी एक निगाह से दिल संभल सा जाता है, किसके लिए महफूज अब ये घोसला रखूं, तुमसे दूर जाके कैसे अब मैं हौसला रखूं, तुम हकीकत हो या ख्वाब बस मेरे खुशियों का दरिया हो, मेरे सांसों को चलने का अकेला तुम ही जरिया हो, तुम ठहरती हो तो फिर सांसों का ये सिलसिला रखूं, तुमसे दूर जाके कैसे अब मैं ये हौसला रखूं, जिस पल भी तुम होते साथ तो लगता है कि जन्नत है, तेरे ख्यालों में रहूं शामिल बस यही एक मन्नत है, तुम जो हो अगर रिजवां के साथ तो फिर किस बात का मसला रखूं, तुमसे दूर जाके कैसे अब मैं हौसला रखूं। और यकीन जानिए इस गजल के बाद मेरे साथ ही नहीं, फिर मसला ये रहा
कि कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं हमारे बीच अगर आगे चल के शादी होती है तो फिर कैसे मतलब कॉम्पैटिबिलिटी आपसी समझ बूझ को कैसे हम मजबूत करेंगे। तो उन्होंने मैंने एक फिर एक प्रपोजल उनके पास ले गया, लिव इन रिलेशनशिप आप सब जानते हैं, तो ये एक प्रपोजल मैंने उनको शायरी के तौर पे मैं उनके सामने ले गया कि मैंने अपनी प्रेमिका से बोला, मैंने अपनी प्रेमिका से बोला कि मैंने अकल का दरवाजा है खोला, बनाई है ऐसी योजना कि नहीं पड़ेगा एक दूसरे को जीवन भर भोगना। मेरी प्रेमिका बोली वाह क्या बात है, मुझे इसीलिए तुम्हारा अच्छा लगता, तुम्हारा साथ है। मैंने बोला कि सुनो मेरी बात, हम कुछ दिन रहेंगे एक दूसरे के साथ, एक छत के नीचे रहकर करेंगे विचारों का आदान प्रदान, पति पत्नी के बीच होने वाली समस्याओं का समाधान, सब कुछ ठीक रहा तो झटकर लेंगे शादी, देश की बढ़ाएंगे आबादी। परंतु अगर वो अगर ना बैठा तालमेल, हुई कुछ गलती तो छोड़ देंगे एक दूसरे का साथ। परंतु अगर ना बैठा तालमेल, हुई कुछ गलती तो छोड़ देंगे एक दूसरे का साथ। से मेरी प्रेमिका बोली अच्छा ये तो बताओ गलती रहेगी किसके पास। थैंक यू भाई, दैट्स माय भाई, यू हैव बीन अमेजिंग आर्गन, थैंक यू सो मच। वो आज जो एक बार छोड़ दे दिया हमारे बोलता।